नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मई दिन रविवार। खबरों की उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री का बदला नियम। राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा सरकारी स्कूलों की टाइमिंग का मामला। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की मिलेगी 3 महीने की दवा एक साथ। बिहार के मनोज वाजपेयी ने अपने पुराने दिनों को याद कर कही ये बात। बिहार में आज इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना। पटरियों के बीच पत्थर बिछाने का जाने कारण। आईपीएल 2024 में आज केकेआर बनाम आरआर और एसआरएच वर्सेस पीवीकेएस का मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्राचार्यों के इतने पदों पर नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे प्राचार्य के पदों पर नौकरी का सुनहरा अवसर है। इसके लिए BS USC के द्वारा जरूरी कवायद शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत बिहार के 12 विश्वविद्यालयों में 173 प्राचार्यों के खाली पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। सबसे अधिक BRA बिहार विश्वविद्यालयों में प्राचार्य के फ्रेश 30 और बैकलॉग के 2 पदों पर नियुक्ति होनी है। 12 विश्वविद्यालयों में नियुक्ति ली जाएगी। प्राचार्य के लिए योग्य उम्मीदवार 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विस्तारित जानकारी के लिए https://bsusc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री का बदला नियम। बिहार में जमीन की खरीद बिक्री का नियम बदल चुका है। जमीन की रजिस्ट्री में जमाबंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम फैसला सुनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से इस नियम को खत्म कर दिया है। सभी जिलों के DM को यह आदेश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए 13 मई को जो आदेश पारित किया है, इसका 100% पालन किया जाए और इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री की जाए। मालूम हो कि अब नई पीढ़ी भी अपने पुरखों की जमीन बेच सकेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दुखन राम के बारे में। दुखन राम एक भारतीय नेत्र योग विशेषज्ञ, अकेडमिक, विधायक और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के एक अनुसंगी संगठन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। 1961 में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए 1962 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पटना में एक पब्लिक स्कूल डॉक्टर दुखन राम DAV पब्लिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इस दिन से होगा बंद। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 15 जून से बंद होने जा रहा है। VTR का पर्यटन सत्र समाप्त होने जा रहा है। अगले 4 महीने तक टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए बंद हो जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले जंगल सफारी के इरादे से यहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में पर्यटक पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी के बाद भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार पर्यटन सत्र के आखिरी दौर में पर्यटन स्थलों पर इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। VTR को के बंद होने में कम दिन ही शेष बचा हुआ है। ऐसे में VTR की सुंदरता को निहारने और दुर्लभ वन जीवों का दीदार करने के लिए सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। मालूम हो कि नवंबर के महीने से पर्यटक फिर से VTR में घूमने के लिए जा सकेंगे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को अगर आपने विजिट किया है तो ये आपको कैसा लगा, आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल और SI भर्ती को लेकर अपडेट आया सामने। रेलवे सुरक्षा बल ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के कुल 4,660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने अपना पंजीयन 14 मई तक कर लिया था, उनके लिए ये विस्तार किया गया है। इन्होंने तकनीकी कारणों से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था। RPF ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के कुल 4,660 पदों पर भर्ती के लिए निर्धारण आवेदन तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान 18 मई से 20 मई के बीच किया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा सरकारी स्कूलों की टाइमिंग का मामला। बिहार में सरकारी स्कूलों में टाइमिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सुबह के 6 बजे से स्कूल की टाइमिंग होने का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब ये मामला राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। पटना के एक सोशल एक्टिविस्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और मानव के अधिकारों के हनन की श्रेणी में ये आना चाहिए। आम नागरिकों को गहरी नींद का मौलिक अधिकार है।
सोमवार को बिहार में बंद रहेंगे बैंक। 20 मई को देश के 8 राज्यों के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इस कारण देश के इन हिस्सों में बैंक में अवकाश होने जा रहे हैं। मालूम हो कि सोमवार को बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बिहार की हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और सीतामढ़ी की लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इसी कड़ी में पूरे बिहार में बैंक को बंद करने की घोषणा की गई है। मालूम हो कि बिहार के अलावे झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख में भी बैंक बंद रहेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की मिलेगी 3 महीने की दवा एक साथ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को 3 महीने की दवा एक साथ दी जाएगी। दवा की आपूर्ति जल्द करने की तैयारी को तेज कर दिया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की सूची में 151 प्रकार के निःशुल्क दवाएं देने का प्रावधान किया गया है। बताया जाता है कि राज्य में 1744 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। इन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में 10% से भी कम दवाओं की मांग की है। फिलहाल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को एक तिमाही में उपयोग होने वाली औषधियों की खपत के अनुसार आवश्यक दवाओं की सूची को तैयार करके संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। बिहार की बेटी कशिश ने जामिया की प्रवेश परीक्षा में देशभर में किया टॉप। बिहार की बेगूसराय जिला निवासी आंगनवाड़ी सेविका की बेटी कशिश कायनात ने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में जनरल कोटा में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने सिर्फ बेगूसराय का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही कशिश बिहार की पहली ऐसी छात्रा बन गई है जिन्होंने इस परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया हो। कशिश की इस कामयाबी से उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। बताया जाता है कि सेल्फ स्टडी के बल पर इन्होंने ये सफलता हासिल की है। बिहार के मनोज वाजपेयी ने अपने पुराने दिनों को याद कर कही ये बात। बिहार के मनोज वाजपेयी ने एक साक्षात्कार के दौरान कई खास बातों को शेयर किया है। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा है कि पहले उनके पास रुपए नहीं होते थे। उनके पिताजी ने ट्रेन के भाड़े के साथ सिर्फ 120 रुपए दिए थे। बस का पास बनाने के बाद जेब में कोई पैसा नहीं होता था, केवल 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा, चमड़े का चप्पल और एक जीन्स। इसके अलावा एक टीन का बक्सा उनके पास हुआ करता था जिसे आज भी एक्टर ने संभाल कर रखा हुआ है। एक्टर आगे बताते हैं कि उसमें बहुत ही कम सामान था। अकेले उस स्थिति में काम मांगने जाना और आर्थिक और शारीरिक परेशानी का होना बहुत ही कष्टदायक था। अपनी पसंद को लेकर एक्टर ने कहा कि उन्हें लिट्टी चोखा से अधिक पसंद लिट्टी और मीट है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे वॉट थाई मॉनेस्ट्री के बारे में। वाट थाई मॉनेस्ट्री के बारे में। वाट थाई मॉनेस्ट्री बोधगया का एक मुख्य स्थल है। यहाँ एक मॉनेस्ट्री थाई वस्तु कला में बनाई गई है और बहुत सुंदर लगती है। इस मॉनेस्ट्री के बाहर आपको ड्रैगन की प्रतिमा देखने को मिलती है। मॉनेस्ट्री के सामने सुंदर बगीचा बनाया गया है। मॉनेस्ट्री के अंदर आपको भगवान बुद्ध जी का बहुत ही सुंदर धातु की प्रतिमा देखने को मिलती है। मॉनेस्ट्री के पीछे तरफ तालाब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको भूटान मॉनेस्ट्री, सिक्किम मंदिर, जैपनीज मंदिर, कंबोडिया मॉनेस्ट्री, चीनी मॉनेस्ट्री, थे पर्ल, महाविहार और भी बहुत सारे मॉनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है जो बहुत सुंदर है और आप यहाँ आकर शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। पटरियों के बीच पत्थर बिछाने का जाने कारण। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा रेल नेटवर्क है। इससे रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ट्रेन से सफर जरूर किया होगा। इस दौरान आपने रेल की पटरियों के बीच पत्थर को देखा होगा। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रेन के पटरियों के बीच में पत्थर क्यों लगाए जाते हैं। पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर लगाने का वैज्ञानिक कारण है। ये लकड़ी के कटरों या सीमेंट के सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखता है और वो रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़े रखता है। मालूम हो कि ट्रेन के चलने के दौरान कंपन होती है और ये कंपन को कम करता है। इस जमीन को नुकसान पहुंचने से भी बचाता है, साथ ही ध्वनि प्रदूषण को भी रोकता है। बिहार में नहीं लागू हो सकी मछली बीमा योजना। बिहार में मछली बीमा योजना लागू नहीं हो सकी है। पिछले 5 साल से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इस योजना को लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। मछली बीमा योजना लागू नहीं होने के कारण बैंक में मछली पालकों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। बीमारी के कारण, मछलियों के मर जाने के कारण, बाढ़, सुखाड़ और चोरी होने से हुए नुकसान की मछली पालकों की भरपाई नहीं हो पा रही है। योजना के लागू नहीं होने की वजह से मछली बीमा कंपनी के आगे नहीं जाने को बताई जा रही है। वहीं फसल बीमा की ही तरह मछली बीमा के लिए मछली पालक की ओर से मांग की जा रही है।
बिहार में आज इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग केंद्र पटना ने बिहार के मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इन 5 दिनों में बिहार के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। आज सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर और कटिहार में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं 20 मई तक पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण में बारिश की संभावना जताई गई है। 20 और 21 मई को पूरे बिहार में बारिश की आशंका है। वहीं पटना आदि जिलों में 20 मई तक लू चलने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने एक वाहन से लाखों रुपए कैश किया बरामद। पटना में लोकसभा चुनाव के मतदान में 2 सप्ताह से कम समय बचा हुआ है। ऐसे में यहां पर पुलिस की चेकिंग बढ़ चुकी है। संदिग्ध गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना से सटे विक्रमगंज थाना इलाके के असपुरा लखपर से पुलिस ने चेकिंग के दौरान ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी से लाखों रुपए से भरा हुआ बैग बरामद किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस की ओर से बताया गया है कि गाड़ी से 6,22,000 रुपए कैश मिले हैं और जब्त गाड़ी समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रहने वाले व्यक्ति के नाम पर है। चार धाम यात्रा के दौरान रील्स बनाने पर इन धाराओं में होगी कार्रवाई। चार धाम यात्रा के दौरान रील्स बनाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीजीपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मालूम हो कि इससे पहले चार धाम मंदिर परिसर से 50 मीटर के दायरे तक वीडियोग्राफी करने पर रोक लगाई गई थी। धाम यात्रा के दौरान मंदिरों में रील्स बनाने वालों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बताया जाता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 के अंतर्गत मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत उन्हें उपद्रव करने वाला माना जाएगा। तेजस्वी यादव ने 5 की जगह 10 किलो अनाज देने का किया वादा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन जनता से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लोगों को 200 यूनिट के फ्री बिजली और 5 किलो की जगह 10 किलो का अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही एनडीए की सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग जो गैस सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं वो इतनी महंगी है कि गरीबों की पहुंच से बहुत दूर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में सबसे महंगी बिजली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा को राजस्व जिला बनाने की कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वाल्मीकि नगर के गंडक दियारावर्ती भेतहा रुपही में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी सुनील कुमार को जिताने का आग्रह किया। साथ ही बगहा को राजस्व जिला बनाने की बात कही है। मालूम हो कि बगहा को राजस्व जिला बनाना यहां का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश के द्वारा बगहा को राजस्व जिला बनाने का आश्वासन दिए जाने के बाद यहां का चुनावी माहौल बदल चुका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है कि उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के चुनाव लड़ने को बताया लालू यादव की साजिश। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर कहा है कि उनका चुनाव लड़ना लालू यादव की साजिश है। उनकी साजिश को लोग समझ रहे हैं कि ये किसकी साजिश हो सकती है, इससे किसको फायदा मिल सकता है और किसका नुकसान हो सकता है। एनडीए उम्मीदवार ने कहा है कि लालू यादव पहले भी उनके रास्ते में कांटा बोते रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा है कि लोग डाइवर्ट होने वाले नहीं है। पवन सिंह पर कार्रवाई करना भाजपा का काम है। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर कही बात। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी और एनडीए पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का बार बार बिहार आना इस बात को साबित करता है कि यहां पर उनकी हार हो रही है और एनडीए खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर लालू यादव ने बीते दिन बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन की साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत हो रही है। मालूम हो कि बिहार में पीएम मोदी ने कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किए हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बीते दिन इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कई डरपोक लोग हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। गरीबों का अगर कोई भी मसीहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। देश में 70 साल के बाद अगर किसी ने कुछ भी किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने कुछ भी नहीं किया है। एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि जिसके पिता कुछ भी नहीं कर सके उसका बेटा क्या कर लेगा।
आईपीएल 2024 में आज केकेआर बनाम आरआर और एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस का मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज दो मुकाबला होने जा रहा है। केकेआर बनाम आरआर और एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस का आज मैच होना है। राजस्थान रॉयल्स 4 मैचों की हार के बाद आज केकेआर को हराकर शीर्ष दो में अपने स्थान को पक्का करने के लिए उतरेगी। दूसरी ओर केकेआर की टीम के हौसले अभी बुलंद हैं। दोनों ही टीम के बीच के मुकाबले का परिणाम क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर आज इंडियन प्रीमियर टीम के 69वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की पंजाब किंग्स से मैच होने वाली है। हैदराबाद की टीम के पास आईपीएल के टॉप दो स्थानों में जगह बनाने का अच्छा मौका है। वहीं आज के मैच में पंजाब की टीम को नया कप्तान मिलने वाला है, क्योंकि शिखर धवन चोटिल है और उनकी जगह सैम करन को कप्तानी करने का मौका मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी 1999 में फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में हुआ था। कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म 1938 में हुआ था। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन 1904 में हुआ था। हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 1979 में हुआ था। भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का निधन 2008 को हुआ था। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन 1996 में हुआ था। चैट जीपीटी से अब हिंदी में सवाल पूछना होगा संभव। चैट जीपीटी को अपग्रेड किया गया है। इसमें 50 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि यूजर्स अब हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, कन्नड़, कोरियन आदि भाषाओं में भी सवाल कर सकेंगे, साथ ही इसका जवाब भी पा सकेंगे। अगर आपको अब तक अंग्रेजी भाषा के कारण चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब आप हिंदी भाषा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैट बॉक्स को हिंदी या फिर अपने पसंदीदा भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। वहीं खास बात यह कि लोग चैट जीपीटी को ऐप और वेब दोनों ही जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए नियमों में बदलाव। केवीएस ने 11वीं कक्षा में नामांकन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में एक सेक्शन में 40 बच्चों का ही नामांकन हो सकेगा। वहीं नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। इसमें वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में पास की हो। मालूम हो कि पटना संभाग के सभी केंद्रीय विद्यालयों में संयुक्त मेधा सूची का प्रकाशन 27 मई को किया जाएगा। वहीं अगर कोई छात्र अंतिम तिथि तक आवेदन करने में विफल हो जाते हैं, तो उनके प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे निम्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है पटना। बिहार में चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मधेपुरा, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है सारण। इसका सही उत्तर है भागलपुर। बिहार में साल 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है अय्यर कमीशन, ऑप्शन बी है मद्देलक कमीशन, ऑप्शन सी है मंडल कमीशन, ऑप्शन डी है मुंगेरी लाल कमीशन। इसका सही उत्तर है मुंगेरी लाल कमीशन। हम विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस का कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी है 17 मई, ऑप्शन सी है 17 जून, ऑप्शन डी है 17 जुलाई। इसका सही उत्तर है 17 मई। कौन सा मॉनसून आमतौर पर हर साल मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मॉनसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मॉनसून, ऑप्शन सी है शीतकालीन मॉनसून, ऑप्शन डी है ग्रीष्मकालीन मॉनसून। इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है श्रवण राज, राजकिशोर महतो, बलबीर सिंह, सादुल्ला पालवी, कृष्णा प्रसाद, कुंदन कुमार, सूरज कुमार, अखिलेश पासवान, साधना देवी, अजमल अंसारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके शहर में गर्मी कैसी पड़ रही है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।